फर्स्ट वीडियो फॉर आई सी सी रिविजन सीरीज टू थाउजेंड ट्वेंटी बेसिकली हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ क्वेश्चन तो इंग्लिश लैंग्वेज में कंजंक्शन जो है उसमें मिलता है ज्वाइन द सेंटेंस विदाउटिंग एंड बट ऑल्सो एंड लेटम इज जस्ट द बिगिनिंग और सारा क्वेश्चन को लेकर भी हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम योर इंग्लिश वन और यू से ऑल डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच आर देयर इन योर आईसीसी सो हेलो एवरी वन दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टर माइंड तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था देर वॉज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट एंड वी आर स्टार्टिंग ज देर आर टेन डिफरेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट में हम ट्राई करेंगे सारा सब्जेक्ट का हम ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को कवर कर पाए रिविजन के अंदर दिस इज फर्स्ट वीडियो फॉर आईसीसी रिविजन सीरीज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ क्वेश्चन तो इंग्लिश लैंग्वेज में कंजंक्शन जो है उसमें आपको मिलता है द विदाउट यूजिंग एंड बट और सो यानी कि विदाउट यूजिंग एंड बट और सो यू नीड टू टू में आपको दिया रहता है ये ग्रामर पोर्शन है फ्रॉम योर इंग्लिश लैंग्वेज तो इसका कुछ क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में इसके साथ साथ लेट मी टेल यू की इंग्लिश जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट है आईसीसी में तो इंग्लिश वन और इंग्लिश टू इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा बिकॉज और सारा सब्जेक्ट्स है मैथ्स हो गया या फिर जो भी सब्जेक्ट हुआ तो उसमें आप क्या कर सकते हो एक सब्जेक्ट यू

और जितना भी चीज है सब कुछ अनसीन होता है सो लेट मी टेल यू दैट देर आर नो शॉर्टकट्स फॉर योर इंग्लिश वन और पर्टिकुलरली सिक्स मेजर सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं एंड मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में सब कुछ बता दिया था सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो सो दिस इज आवर आईसी रिवीजन सीरीज 2021 सो so, ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर सो दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम कंजम्शन पार्ट तो कंजंक्शंस क्या है आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा वॉट इज अ कंजंक्शन कंजंक्शन इट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस सो टू सेंटेंस आपको दिया रहेगा आईसी में पर्टिकुलरली वी आर डिस्कसिंग दिस फॉर आईसी स्टूडेंट्स तो यहाँ पर टू टू सेंटेंसेस आपको दिया रहेगा उसमें उसके बीच में एक फुल स्टॉप होगा उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा विदाउट यूजिंग एंड बट और सो सो देर आर अदर कंजंक्शंस एज वेल एंड बट और सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन ओनली लेकिन अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर लाइक एज एज बिकॉज तो ये सारा जो है ये सारा भी एग्जाम्पल्स है कंजंक्शंस का और भी कुछ एग्जाम्पल्स होगा तो so, अभी हम आगे प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले सो लेट इस बिगिन तो फर्स्टली यहाँ पर सेंटेंसेज आपको पता है हेडिंग ऑलरेडी पता है आपको ज्वाइन द सेंटेंसेज फॉलोइंग सेंटेंसेज टू मेक वन कम्पलीट सेंटेंस विदाउट यूजिंग एंड बट ऑल्सो सो विदाउट यूजिंग दिस थ्री वर्ड्स यू नीड टू यूज अदर कंजंक्शन टू जॉइन दिस सेंटेंसेस टोटल यहाँ पर हम सेवन टू एट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो सो डोंट वरी दिस इज आर फर्स्ट वीडियो और भी रिविजन सीरीज के अंदर बहुत सारा वीडियो आने वाला है फॉर प्रैक्टिस एंड आपको पता होगा कि कंजंक्शन हो चाहे प्रपोजिशन हो सब कुछ अनसीन होने वाला है तो ये एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस के लिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन करेक्टली यू विल बी एबल टू आंसर इन द बोर्ड एग्जाम सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज रोहन सॉ दैट आई वॉज कंफ्यूज ही केम टू माई रेस्क्यू

मल्टीपल आंसर्स रहता है सो इट कैन बी दैट मल्टीपल आंसर्स कैन ऑल्सो भी करेक्ट जो कि ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर होगा मल्टीपल आंसर्स भी करेक्ट हो सकता है फ्रॉम योर कंजम्पन पार्ट नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है द आर्टिस्ट हैज़ मेड अ फ्यू एरर्स हिज आर्ट इज एक्सेप्शनली गुड द आर्टिस्ट हैज़ मेड अ फ्यू एरर्स हिज आर्ट इज एक्सेप्शनली गुड सो so, इसमें आपको दो यूज करना पड़ेगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो दो ऑल दो यूज होता है तो आपको यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है एक चीज को कि अगर दो यूज होता है टी एच ओ यू जी एच दो अगर कभी भी दो यूज होगा सो तो दो के साथ येट यूज होता है इफ यू आर यूजिंग दो सो तो दो के साथ येट भी यूज होता है और एक इंपॉर्टेंट चीज सिंस दिस इज योर ग्रामर पोर्शन तो यहाँ पर पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी येट से पहले एक कॉमा आएगा सो इसको आपको ध्यान में रखना है और अगर हम ऑल दो यूज करेंगे इफ यू आर यूजिंग ऑल दो अगर ऑल दो यूज कर रहे हो आप तो आपको येट यूज नहीं करना है सो कीप दिस थिंग इन माइंड दो के साथ कभी भी येट यूज होता है इन योर कंजम्क्शन पार्ट एंड येट से पहले हमेशा आपको एक कॉमा देना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इसका आंसर क्या होगा दो द आर्टिस्ट हैज मेड अ फ्यू एरर्स कॉमा येट क्या होगा दो द आर्टिस्ट है पंचुएशन इम्पॉर्टेंट है सो डोट फोर्गेट टू गिव कॉमा नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज आवर कार वॉज डैमेज इन एन एक्सीडेंट वी हैड ओनली माइनर इंजुरीज सो so, इसका आंसर क्या होगा यहां पर इंस्पाइट यूज करना पड़ेगा डेस्पाइट दिस इज ऑल्सो कंजंक्शन पर कंजंक्शन में ये यूज होगा सो आंसर विल बी इंस्पाइट ऑफ डैमेज टू आर कार इन एन एक्सीडेंट कॉमा वी हैड ओनली माइनर इंजुरी क्वेश्चन नंबर फोर इज अ मैन इज वेयरिंग अ ब्लू टाई ही इज द प्रेसिडेंट तो इसका आंसर बहुत सिंपल है द मैन यहां पर अ मैन टर्न इन टू द मैन यहां पर द मैन आपको द यूज करना पड़ेगा द मैन हु इज वेरिंग अ ब्लू टाई इज द प्रेसिडेंट इसका आंसर बहुत सिंपल है बट इंस्टेड ऑफ अट टू यूज द द मैन हु इज वेरिंग अ ब्लू टाई इज द प्रेसिडेंट दिस विल बी द आंसर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज वी मेट समबडी ही हैड बीन टू द मून सो इसका आंसर बहुत सिंपल है एंड दिस आंसर यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड जो भी स्टूडेंट सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट को मैं पिन करने वाली हूँ सो मेक श्योर दैट यू गिव प्रॉपर आंसर सो क्वेश्चन नंबर फाइव यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो इट्स वेरी इजी सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज शी इज वेरी क्लेवर शी कैन डू दिस सम सो इसका आंसर अगेन दिस इज वेरी सिंपल She can do this sum as she is very clever. She can do this sum as she is very clever. As use you have to use as. She can do this sum as she is very clever. So this is going to be answer to question number six. Now moving ahead to question number seven. Question number seven ka kya question hai? Question number seven is. यू आर सजेस्टिंग समथिंग टेल मी दैट तो इसका आंसर में बहुत सिंपल होगा टेल मी वॉट यू आर सजेस्टिंग आंसर होगा टेल मी वॉट यू आर सजेस्टिंग एंड आंसर में लास्ट में पंचुएशन कौन सा यूज होगा क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी यहाँ पर यूज नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट एन इंटोरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क यूज नहीं हुआ है सो so, आंसर में भी यूज नहीं होने वाला है सो so, यहाँ पर You have to be careful with this thing. That is your punctuation. It should be proper. So this is answer to question number seven. Now, last question for today is question number eight. Question number eight is We reached the port. The storm came on. So is answer kya hoga? As soon as starting oga. As soon as. As soon as we reached the port, the storm came on. इसका आंसर क्या होगा एज सुन एज वी रीच द पोर्ट कॉमा द स्टॉम केम ऑन सो कॉमा इज इंपॉर्टेंट here. एंड एज सुन एज का भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सॉरी नॉट प्रपोजिशन conjunctions में बहुत सारा सेंटेंसेज में यूज होने वाला है एज सुन एज टू join टू सेंटेंसेज सो दो ऑल दो इंस्पाइट डेस्पाइट एज उसके उसके साथ साथ एस सुन एस ये सारा बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसा टाइप का एग्जाम्पल्स ऐसा टाइप्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है सो so, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि ये सारा वर्ड्स यूज होता है इसको आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स सो हमने टोटल एट डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया इस वीडियो में इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड uh, इसके साथ साथ अगर आपके पास और कोई आंसर है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड यू मल्टीपल आंसर्स कैन ऑल्सो भी करेक्ट सो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन के लिए अगर कोई डिफरेंट आंसर है तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड uh, इसके साथ साथ डोंट वरी जितना भी आंसर्स है सारा प्रॉपर आंसर्स आपको विथ सॉल्यूशन यू विल बी गेटिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल्सो इन इंस्टाग्राम सो डोंट वरी रिगार्डिंग नोट्स एंड ऑल एंड इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो सो दिस वॉज द फर्स्ट सीरीज एंड इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएगा डोंट वरी दिस इज जस्ट दिगिनिंग सो दिस वॉज द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग